अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अवैध सुबहान, और आप देख रहे हैं लेट्स ट्रैवल विद सुबहान। तो आज जो है वो इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही शानदार है, जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो है वो बारिश हुई है और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और आज इस शानदार मौसम में हम आपको लेके जाएंगे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, और वहाँ जाके जो है वो डिफरेंट हुक्मरानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते हैं वहाँ पे कौन कौन जो है वो अवेलेबल होगा। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो आज बहुत शानदार है, तो हमने आज सोचा क्यों ना इस शानदार मौसम में आपको शानदार लोगों से मिलवाया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो है वो कौमी लिबास जो है ना वो अपना ज़ेब-ए-तन कर लिया है, और इंशाल्लाह जो है वो वहाँ चल के आपको डिफरेंट लोगों से मुलाकात करवाएंगे। देखते हैं कौन कौन अवेलेबल होता है, पार्लियामेंट हाउस का आपको विज़िट करवाएंगे। और यहाँ पार्लियामेंट हाउस पे जाने की हर किसी को एक्सेस नहीं होती, ये सिर्फ एजाज जो है ना वो यूट्यूबर्स को ही मिलता है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको पूरा पार्लियामेंट हाउस जो है वो वहाँ पे विज़िट कराएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखला के दफातर हैं, आईटी मिनिस्टर के दफातर हैं। तो वो जितने भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लोर कराएंगे आज। मैंने अपने पिछले व्लॉग में जनरल सा आइडिया दिया था डबल डेकर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का, तो आज हम आपको फुली तौर पर जो है वो पार्लियामेंट हाउस जो है वो विज़िट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप और हमारा साथ हमेशा से जुड़ा रहे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं, आज मेरे साथ, मैं आपको विज़िट कराता हूँ पार्लियामेंट हाउस ऑफ इस्लामाबाद। ऑलराइट जी गाइस, जैसे ही हम रेड जोन पहुंचे हैं तो एक मसला हो गया है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हैं, आपको पता है कौम का बहुत कीमती असासा है हमारे हुक्मरान, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि मौसम जो है ना वो बहुत शानदार है, खुशगवार है, बारिश हो रही है, तो उन्होंने जो है ना वो आज कर ली है जी बिल्कुल छुट्टी ऑफिस से। तो अभी जो है ना वो हमें एंट्रेंस अलाउ नहीं हुई, तो हम रेड जोन से जो है वो वापस में आ गए हैं। बारिश हो रही है और हम इस वक्त मौजूद हैं जी फैसल मॉस्क, द ब्यूटीफुल मॉस्क इन इस्लामाबाद। तो हमने कहा चले वो प्लान तो हमारा हो गया है स्किप, तो हमने प्लान किया है कि आपका जो आपके लिए व्लॉग तो लाजमी बनाना ही बनाना था, तो हम आपको दिखाएंगे जी इस्लामाबाद की आज नेचुरल ब्यूटी, और इस शानदार मौसम में आपको इंजॉय कराएंगे इस्लामाबाद का खूबसूरत वेदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम आज इतना शानदार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इंशाल्लाह अभी आपको जो है ना वो इस्लामाबाद की ब्यूटी दिखाते हैं। ऊपर अभी टॉप पे जाएंगे, मोनाल जाएंगे, पीरसोहावत तक जाएंगे, और उसके बाद जो है वो वहाँ से आपको टॉप ब्यूटी भी इंजॉय कराएंगे, इस्लामाबाद का फुल व्यू जो है ना वो दिखाएंगे। और ये दो जो हैं वो मेरे फ्रेंड मेरे साथ आए थे, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ऊपर मोनाल और पीरसोहावत से भी जो है वो फुल इस्लामाबाद का व्यू दिखाएंगे। इस्लामाबाद का खूबसूरत वेदर जो है ना वो आज हम आपको इंजॉय कराते हैं। पापड़ ले रहे हो मुजम्मिल भाई? जी आप यार कोई पापड़ चापड़ खिलाओ, नाश्ता नहीं किया आपने, इनवाइट किया था
कि आप हमें विजिट करवाएंगे, बट कुछ वजूहत की वजह से आपने कहा था विजिट कराएंगे, आप इतने बड़े कौमी असेंबली के स्पीकर हैं सर जी, तो सर स्पीकर हैं, ये पापड़ छापड़ खाते हैं जी, फैसल मॉस में पापड़ छापड़ एंजॉय करते हैं जी, बस ओ पकड़ी होए। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला हमारा प्लान था कि हम पार्लियामेंट हाउस जाएं, लेकिन वो स्किप हो गया है। तो और जी गाइस, ये है इनका मेन अपर पोर्शन, ये मस्जिद का जो है वो ऊपर वाला आयाता है, सहन है, और यहाँ से जो है वो मैं आपको इस्लामाबाद की जो है वो ब्यूटी दिखाता हूँ, आप देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत, और सबसे मज़े की बात यह है कि आज इस्लामाबाद का जो वेदर है वो बहुत ही लश है, जिसने जो है वो इस्लामाबाद की ब्यूटी को मज़ीद उजागर कर दिया। अब आपको समझ आ रही है कि जो है ना हमारे हुक्मरानों ने आज छुट्टी क्यों की है, क्योंकि ऐसा मौसम देख के जो है ना हर किसी की रालें टपकने लग जाती हैं। यार मुजम्मिल भाई, यहाँ से आपको सीटियाँ मारते थे बचपन में, ज़रा वो यादें जो हैं वो बचपन की ताज़ा करें ना। इस्लामाबादी है ना वो देखें, ये इन्होंने इसी वजह से बैरियर लगाया कि वो वहाँ से स्लाइड लेते हुए आते थे और यहाँ से जो है ना ये स्लाइड लेते हुए नीचे गिरते थे, तो अभी इन्होंने जो है ये इसी वजह से हमारी जो आवाम है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी आवाम को रोकने के लिए कि वो इस तरह से मस्जिद है इसका एहतराम करना चाहिए, ना कि वहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो अब स्लाइड थे। तो अभी चलते हैं जी, यहाँ पर थोड़ा सा काम भी हो रहा है, ये अंडरग्राउंड वायरिंग चल रही है, तो ये इसका बैक साइड का एरिया है, माशाल्लाह से ये खूबसूरत सी गैलरी है, और आगे दिखाते हैं आपको। तो ये जो है वो मस्जिद का बैक साइड का एरिया है। मुजम्मिल भाई, यार ये मस्जिद के बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? सर बिल्कुल बताएंगे, ये मस्जिद जो है 1972 में जब भुट्टो साहब हुक्मरान थे, उसके बाद जो है शाह फैसल साहब जो थे, जो सऊदी अरब के हुक्मरान थे, उन्होंने गिफ्ट दिया था पाकिस्तान को। इस्लामिक ममालिक के जितने सरबराह थे वो तमाम जो है यहाँ इस पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कर्नल गद्दाफी, सदाम हुसैन, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शाह फैसल साहब यहाँ आए थे और यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये फैसल मस्जिद जो है वो गिफ्ट में दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान को, और इसी तरह ही फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने सऊदी अरब के हुक्मरान को कराची में शाहराह फैसल गिफ्ट की थी, तो वो रोड आज भी उनके नाम से है। तो ये पिछले हमारे हुक्मरान थे, वो आपस में इस तरह तोहफों का एक दूसरे के साथ तबादला किया करते थे, तो इसकी एक हिस्ट्री है, ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उस दौर में तामीर हुई और आज भी ये मस्जिद जैसा शाहकार पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ये मस्जिद तामीर की गई और इनमें कुछ टाइल्स वगैरह ऐसी हैं जो मक्का मुकर्रमा से आई हुई हैं, क्योंकि जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो वो ठंडी हो जाती हैं और जब यहाँ ठंड होती है तो वो टाइल्स जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, तो इस तरह के बहुत से चीज़ें हैं जो इनमें यूनिक लगी हुई हैं, इस वजह से इस मस्जिद को फैसल मॉस्क कहा जाता है।
तो और जी गाइस, मस्जिद का जो अंदर का है आता है ना, वो अभी इस टाइम क्लोज किया हुआ है, क्योंकि वो ड्यूरिंग जो नमाज है ना, नमाज की टाइम में सिर्फ आधे घंटे के लिए जो है वो ओपन किया जाता है। तो अभी ये क्लोज है फिलहाल, अदरवाइज आपको जो है वो अंदर का बहुत ही खूबसूरत एरिया जो है वो हम दिखाते। तो अभी ये इस टाइम क्लोज है, नमाज के औकात के दौरान जो है वो इसको खोला जाता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम। यार हमारे दोस्त जो है ना अचानक गिर गए हैं इधर से, क्योंकि बारिश हो रही है और ये स्लिपी एरिया। ये क्या हो रहा है मुजम्मिल भाई यार? तो बच गई है ना, बच गई है। चल बारिश में ये थोड़ा स्लिपरी हो जाता है पत्थर, तो इस वक्त चलते हुए जो है ना वो आपने फूक फूक के कदम रखने हैं। तो खैर बचत हो गई है भाई की। ये जो है वजू करने की जगह है, यहाँ पर ये इनके ऑफिस हैं। सो ऑलराइट जी गाइस, ये थी कैपिटल इस्लामाबाद की बहुत ही खूबसूरत फैसल मॉस्क। Now we are moving towards Margalla Hills, where from you can see the complete view of Islamabad city. So here we go, mashallah mashallah, we are here at right now at the top of Margalla Hills, where from you can see the complete view of the beautiful capital of the world is Islamabad. जी गाइज, ये था जी हमारा आज तक का व्लॉग। इस्लामाबाद का कुदरती हुस्न देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो डैट यू कुड रिसीव द बेल नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग व्लॉग्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बांटते रहें। आपसे मिलते हैं फिर किसी नए मकाम पर, किसी नई जगह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।